हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 4-in-1 रेसिपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मलाई मैंने 15 दिन की फ्रीज़र में स्टोर करके रखी हूँ, ये इस तरीके से है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले बॉक्स का भी निकाल देंगे हम। इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के आधे घंटे पहले रख दी थी ताकि पिघल जाए, थोड़ी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फ्रीजर में बहुत हार्ड हो जाती है। इस तरीके का एक बीटर होता है, ये ले लेंगे हम। इसकी जगह एक बड़ी सी करछी जो दाल वाल निकालने के लिए होती है वो भी ले सकते हैं हम। इससे घी बटर आसानी से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगी, ना मशीन की जरूरत होगी ना बिजली की। इस तरीके से इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे, इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे हम। इसको 5 मिनट चलाना पड़ेगा, आप देखेंगे। मुझे 5 से 6 मिनट हो रहे हैं, ये देखिए कितनी क्रीमी हो गई है। और फिर सर्दी ऐसे ही देखना है, अभी सर्दियों का मौसम है तो हम इसके लिए गर्म पानी कर रहे हैं। तो गर्म पानी मैंने रख दी है। और आप, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मलाई को ना फ्रीजर में ही स्टोर करें, फ्रीज में 2 या 3 दिन बस। इससे ज़्यादा अगर लंबा स्टोर करना हो तो आपको फ्रीजर में ही करना चाहिए, जिससे कि घी बहुत अच्छा बनता है। इससे आज हम जो दूध निकलेगा उसका भी यूज़ करेंगे। इससे मतलब जो भी चीज़ें निकलेंगी उनका पूरा यूज़ करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हम 4 चीज़ें बनाने वाले हैं, देख करेंगे आगे। ये हमने गर्म पानी है, ये इतना गर्म पानी कि हम इसे छू पा रहे हैं, ज़्यादा गर्म भी ना हो। ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इसे घुमाते रहेंगे ताकि सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा और उसका जो मिल्क है वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि हमने फ्रीज़र में स्टोर करी है मलाई, तो इसका मिल्क का हम यूज़ करेंगे। अगर आप फ्रीज में स्टोर करते हैं तो उसके मिल्क का आप यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी स्मेल आने लगती है। इसे कंटिन्यू हम इस तरीके से चलाएंगे। ये देखिए मक्खन आने लगा है ऊपर, ये देखिए मक्खन पूरा ऊपर आ चुका है, क्योंकि अभी सर्दियाँ इसलिए हमने इसमें गर्म पानी डाला है। अभी गर्मियाँ होती तो आप इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डालते हैं और डाल देते हैं, उससे भी आ जाता है। और अभी सर्दियाँ इसलिए जल्दी बनाने के लिए हमने इसमें गर्म पानी डाला। मुझे घी इस कढ़ाई में बना रहा है, इसीलिए मैं इस कढ़ाई में ही निकाल रही हूँ बटर। सारा मक्खन हम इसमें निकाल देंगे। मक्खन निकाल लिए हैं, ये मिल्क कितना इधर बचा है, ये मिल्क अलग हो गया है। अभी मक्खन में हम ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि ना और इसका जो मिल्क बचा होगा वो ऑयल में अच्छे से वॉश हो जाएगा, क्योंकि ठंडे पानी से ये मक्खन थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए ठंडा पानी यूज़ करते हैं। ये बटर को हमने गैस पे रख दिए हैं घी बनने के लिए। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे।
इसे मैंने दो बार पानी से धोया है और फिर इसको हमने गैस पर चढ़ाए हैं। शुरुआत में गैस का फ्लेम तेज कर देंगे, ये सारा बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो टू मीडियम करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए सारा बटर मेल्ट हो गया है, गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम जो मिल्क निकला है इसमें से उससे पनीर बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं। ये मिल्क को हमने बॉइल होने के लिए रख दी है, इसमें एक उबाल आने देंगे हम। ये मिल्क में बॉइल आ गया है अच्छा सा, अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिल्क हमारा 2 मिनट हमने ठंडा कर लिए हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है और उतना ही इसमें पानी मिला दिया है। अब ये हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसमें डालते रहेंगे और चलाते भी जाएंगे, जिससे कि हमारा छेना अच्छे से अलग हो जाए। ये छेना हमारा अलग हो गया है, इसे एक रुमाल रख लिए हमने, नीचे एक बर्तन है और ये छेना इस तरीके से सारा इसको अलग कर देंगे, पानी अलग हो जाएगा। इस तरीके से सारा छेना हम ये छेना हमने अलग कर लिए हैं। वीर हैंकी लिया, कॉटन का कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। और ये छेने का पानी अलग हो गया है, इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं, पराठे का, रोटी का, किसी का भी, या करी में यूज़ कर सकते हैं। सारा पानी हम इसे निकाल देंगे और इसे ये ठंडे पानी में इस छेने को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, जिससे कि विनेगर की स्मेल ना आए। विनेगर ना हो आपके पास तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। जितना नींबू का रस लेंगे जैसे 2 चम्मच, तो 2 चम्मच उसमें पानी मिला लें, फिर उससे छेना बनाएं। उसमें एक प्लेट उल्टी करके रख देंगे और ये जो हमने छेने की पोटली बनाई है उसको भी इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर कुछ भारी बर्तन हम रख देंगे। मैंने इस तरीके का एक पत्थर रखती हूँ, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी सब अलग हो जाएगा। इसे हम 15 मिनट यूं ही रखे रहने देते हैं, तब तक हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। घी हमारा अभी बन रहा है, ये मध्य आंच पे बन रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। इसे आप मध्य देर ही बनाएं, जैसे कि घी का कलर वाइट आएगा। इसे पकने देते हैं। घी हमारा लगभग बन चुका है, बस 2 मिनट और पकाना है। ये छुमावा है, थोड़ा और ब्राउन सा हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। घी हमारा बन चुका है, मावा इसे स्टेज तक लाना है और ये अपने हीट में और ब्राउन हो जाएगा थोड़ा। बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें हम कुछ बूंदे पानी के छींटे के देंगे, जिससे कि घी अच्छा छनेगा और अब इसे ठंडा होने देंगे। पनीर को रखे हुए 15 मिनट भी हो गए हैं, अब इसे हम निकाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट पनीर बना है। अब इसका यूज आप सब्जी या कुछ भी बनाने में यूज कर सकते हैं। हो चुका है, अब इसे हम एक टपरे में डाल देते हैं। छन्नी से हम इसे छान लेंगे, ये सारा घी हम इस टपरे में सारा हमने निकाल लिया है। ये घी करीबन आधा किलो निकल चुका है,
थोड़ा सा दबाते हुए इसका घी सारा हम ले लेते हैं। ये मावा हमारा बचा हुआ हमने पैन कढ़ाई में वापस डाल दिया है अब इसमें हम 1 कप जितना दूध डालेंगे। ये उबला हुआ दूध है, मलाई से ही डाल रही हूँ। गैस मीडियम पे है, इसमें एक बॉईल आने देंगे हम। अब इसमें हम 1/4 कप शक्कर डालेंगे, ये आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बॉईल आने देंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे थोड़ा। इसमें घी बहुत है अभी, इसमें कुछ घी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मावा बहुत घी है कढ़ाई में भी, क्योंकि हमने इसी में घी बनाए थे। आप देख रहे हैं हमने मलाई से जो जो चीज़ें निकली कुछ भी वेस्ट नहीं करें। ये जो मिठाई बनेगी ये भी बहुत टेस्टी बनेगी और ये झटपट बनेगी। इसे हम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाना है। ये हमारा बर्फी का मिक्सचर तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, मैं आज इसकी बर्फी बना रही हूँ। इसे हम चारों तरफ प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए या इसमें डाल देंगे, इसमें काजू बादाम और इसे भी चम्मच से ग्रेट कर देंगे जिससे ये इसमें सेट हो जाए और इसे अब हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये बर्फी मैंने ठंडे होने के बाद में आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी, बर्फी सेट हो गई है अच्छे से और मैंने कट के निशान लगा दी। देख सकते हैं खाने में स्वादिष्ट होती है। आई होप आज की चारों रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।